14 सितंबर एक ऐसी तारीख है जिस दिन देश के अधिकतर अंग्रेजी बोलने वाले भारतीय हिंदी को याद करते हैं। यह अलग बात है कि दुनिया की बेहतरीन भाषाओं में से एक हिंदी अपने ही देश में अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रही है। देश भर में हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है? हम बताएंगे आपको इसकी वजह। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं हूं साहिल व्यास, आपका स्वागत करता हूं 3D मीडिया। दिसंबर 1946 को आजाद देश का संविधान तय करने के लिए संविधान सभा का गठन हुआ। सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष बनाए गए। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष चुना गया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। संविधान के नियम कानूनों के साथ साथ आजाद देश की आधिकारिक भाषा चुनना भी एक अहम बात थी, क्योंकि भारत में हजारों बोलियां और सैकड़ों भाषाएं बोली जाती थी। काफी विचार विमर्श के बाद अंग्रेजी और हिंदी को देश की आधिकारिक भाषाओं के रूप में चुना गया। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी भाषा को अंग्रेजी भाषा के साथ साथ देश की आधिकारिक भाषा के रूप में चुना। बाद में जवाहरलाल नेहरू सरकार ने इस दिन के महत्व को देखते हुए इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाए जाने का फैसला लिया और पहला आधिकारिक हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था। आजादी की लड़ाई के दौरान ही देश में एक साझा भाषा की मांग उठने लगी थी। देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नेताओं ने हिंदी को ही इस भाषा के काबिल समझा था। समूचे उत्तर भारत के अलावा पश्चिम भारत के ज्यादातर राज्यों में हिंदी बोली और समझी जाती थी, मगर दक्षिण भारतीय राज्यों और पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए हिंदी पराई भाषा थी। इसीलिए आजादी के बाद हिंदी को देश की राजभाषा घोषित नहीं किया गया। संविधान के अनुच्छेद 351 के तहत हिंदी का प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की थी। उस समय यह सोच थी कि सरकार हिंदी का प्रचार प्रसार करेगी और जब यह भाषा पूरे देश के द्वारा अपनाई जाएगी उस समय इस भाषा को देश की आधिकारिक भाषा के रूप में घोषित किया जाएगा। जब अंग्रेजी को देश की आधिकारिक भाषा के तौर पर हटने का वक्त आया तो देश के अलग अलग हिस्सों में विद्रोह प्रदर्शन शुरू हो गया। तमिलनाडु में भाषा विवाद को लेकर जनवरी 1965 में दंगे भड़क उठे। इसके बाद केंद्र सरकार ने संविधान संशोधन पारित करके अंग्रेजी को हिंदी के साथ साथ देश की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाए रखने का प्रस्ताव पारित किया। आधिकारिक भाषा के अलावा भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। आखिर में बस यही कहूंगा कि मुस्कुराइए, आप हिंदुस्तान में हैं और आपकी मातृभाषा हिंदी है। उम्मीद करते हैं कि आज के चलचित्र में बताई गई बातें आपको अच्छी लगी होंगी। तो इसे लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, मैं हूं साहिल व्यास, धन्यवाद।